पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था एकक कोष्ठिका के विषय में, और मैंने बताया था कि एकक कोष्ठिका के बाद उस एकक कोष्ठिका के अनुसार जो हमारा क्रिस्टल समुदाय जो 7 भागों में विभक्त था उसके विषय में पढ़ेंगे कि इसके त्रिविम जालक के प्रकार क्या है, इसकी संख्या क्या है और इसको किसने बताया था। तो फ्रांस के एक गणितज्ञ ब्रेवे ने इस 7 समुदाय क्रिस्टल समुदाय के विषय में बताया था 1848 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि जो ये 7 विभिन्न क्रिस्टल समुदाय है इन 7 विभिन्न क्रिस्टल समुदायों को उसकी एक एक कोष्ठिका के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के जालकों में इसको बांटा, जिसे हम लोग कहते हैं हम लोग ब्रेवे जालक। और इसको किस हिसाब से बांटा इसके विषय में हमको समझना है। जैसे कि 7 क्रिस्टल समुदाय है, हम पहले भी आपको बता चुका है, इस 7 में सबसे सम्मित जो होता है वो होता है घनीय क्रिस्टल जालक। सबसे सम्मित क्रिस्टल जालक जो है वो घनीय क्रिस्टल जालक है, और इस घनीय में इसमें जो त्रिविम जालकों का जो प्रकार बनेगा वो कैसा बनेगा, इस बात को आप समझिए। क्रिस्टल समुदाय घनीय, त्रिविम जालकों के प्रकार हमने लिखा है 3, SSC, BCC, FCC। मैंने आपको बताया था ये जो हमने लिखा है यह एकक कोष्ठिका के प्रकार है। आद एकक कोष्ठिका है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, केंद्रीय एकक कोष्ठिका है, वगैरह वगैरह। यह इस कोष्ठिका के विषय में हमने लिखा था, हमने आपको बताया था आपको कि यह एक एकक कोष्ठिका है। तो विभिन्न प्रकार के जो 4 प्रकार के एकक कोष्ठिका के विषय में हम आप लोगों को बताए थे, वो 4 प्रकार के जो एकक कोष्ठिका है अलग अलग क्रिस्टल समुदाय में अलग अलग तरीके से इसके त्रिविम जालक बनते हैं। घनीय क्रिस्टल समुदाय में उस चारों एकक कोष्ठिका जो थी उस चारों के अनुसार SCC, BCC और FCC के ही विभिन्न प्रकार के जालक बनते हैं, त्रिविम जालक बनते हैं। किसमें? घनीय में। इसकी संख्या हो गई 1, 2, 3, SCC, BCC, FCC, जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। इसमें त्रिविम जालकों की संख्या हो गई 3। फिर है द्विसम लंबास। द्विसम लंबास में 2 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं, एक है हमारा SCC और दूसरा है हमारा BCC। एक है हमारा SCC और दूसरा है हमारा BCC, ये भी बनेगा 2। फिर है विषम लंबास, इसमें 4 प्रकार के बनते हैं एकक कोष्ठिका, SCC, BCC, FCC और ACC, इसकी कुल संख्या हो गई 4। षटकोणीय में 1 SCC सिर्फ बनेगा। एकांताक्ष में 2 SCC और ACC दोनों बनेगा। फिर त्रिसमताक्ष में 1 SCC सिर्फ बनेगा और त्रिंताक्ष में 1 SCC बनेगा। तो कुल मिलाकर जब इसको काउंट करेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14, 14 प्रकार के विभिन्न जालकों की संख्या बनती है ब्रेवे जालक के अनुसार, ब्रेवे साहब के अनुसार। इन्होंने 1848 ईस्वी में इसके विषय में बताया था, उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, इसके विभिन्न जालक के प्रकार ये हैं, विभिन्न जालकों की संख्या ये है। अब इसके बाद हम चलेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो हमारा क्रिस्टल बनता है SCC, BCC, FCC, ECC, इसमें अवयवी कण अलग अलग क्रिस्टल में या 2 क्रिस्टलों को एक साथ जोड़ दिया जाए, 3 क्रिस्टलों को एक साथ जोड़ दिया जाए, 3 एकक कोष्ठिका को एक साथ जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद क्या बनेगा और उससे कितने अवयवी कणों की संख्या प्राप्त होगी, इस फिगर अभी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अगले टॉपिक में चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही गौर से आपको देखना होगा। यह मानकर चलिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, यहां से एक प्रश्न रहना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। इसको गौर से समझने की जरूरत है। सबसे पहले एक हम घनीय क्रिस्टल को बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा घनीय क्रिस्टल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घनीय क्रिस्टल में सभी अक्षों की दूरियां जो है आपस में समान होती है और अक्षों का जो कोण बनता है अल्फा, बीटा और गामा,
तीनों समान होते हैं और यह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यह हमारा कोई एक घनाकार क्रिस्टल है। इस घनीय क्रिस्टल में प्रत्येक कोने पर इसके अवयवी कण रहते हैं उपस्थित। बताए थे, अगर जो बच्चे या जो स्टूडेंट पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कृपया करके पिछले लेक्चर को गौर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यह एक एकक कोष्ठिका है, इसमें घनीय एकक कोष्ठिका में इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर एक उसके अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में यह आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रत्येक कॉर्नर पर इनके अवयवी कण उपस्थित रहते हैं और यह अवयवी कण इस क्रिस्टल को 1/8 भाग को प्रदान करता है। मसलन फिर से समझिए एक बार, अगर यहां पर इस कॉर्नर पर इनके जो अवयवी कण है, इस घनीय क्रिस्टल में इस अवयवी कण का 1/8 भाग ही इसमें समर्पित है, शेष भाग इनके साथ जो जुड़े हुए दूसरे एकक कोष्ठिका होंगे जो सघन रूप में जुड़ करके एक ठोस का निर्माण करता है, वह उनके साथ जुड़ा होगा। मसलन एक बार फिर से समझिए कि यहां पर कुल मिलाकर अगर एक कण है, एक अवयवी कण है, तो यह एक अवयवी कण इस घनीय क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका में यह अपने आप का 1/8 भाग ही देता है इस एकक कोष्ठिका को। बात क्लियर है, दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिए, 1/8 भाग ही यह देता है। तो कुल मिला के इस एक एकक कोष्ठिका में कितने कण को यह देगा, कितने अवयवी कण को देगा, यह अकेला अपने आप में 1/8 भाग देता है, तो जाहिर सी बात है यह भी 1/8 भाग देगा, 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 तो सारा पॉइंट, सारा कॉर्नर अपने आप में 1/8 भाग देगा। तो यह कुल एकक कोष्ठिका जो हमारे पास है, यह घनीय क्रिस्टल, इसमें अपने आप में कुल मिलाकर यह कितने अवयवी कण देंगे? तो अगर एक कण अपने आप में 1/8 देता है तो कुल मिलाकर कितने अवयवी कण है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 अवयवी कण है। तो कुल मिलाकर यह अपने आप में कितना दिया? 8 × 1 कण 1/8 देता है, तो 8 कण है, तो 1/8 कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर यह टोटल जो हमारे पास में कॉर्नर के पास में अवयवी कण है, यह सभी मिल करके इस घनीय क्रिस्टल को, इस अवयवी क्रिस्टल को जो हमारा एकक कोष्ठिका है, इसमें एक कण अपना प्रदान करता है। अब इसके दूसरे पहलू पर, वह चार प्रकार का टॉपिक है, बहुत गंभीर तरीके से सुनिए और निश्चित रूप में यह समझिए कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ गौर से समझ लीजिए इसको। अब एक पैटर्न तो यह हो गया, अब आते हैं इसके दूसरे पैटर्न। यदि हमारे पास कोई एक घनीय क्रिस्टल है, इस घनीय क्रिस्टल में हम लोग जानते हैं कि सभी कॉर्नर पर इनके अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, एक बात तो ये जानते हैं, और इसमें अगर यह अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका हो, तो अंतः केंद्रित मतलब इसके अंदर में भी एक एकक कोष्ठिका होगी, एक अवयवी कण होगी। पिछली कक्षा में बताया है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, जो जो पिछले लेक्चर को नहीं सुने हैं वो गौर से एक बार फिर से पिछले लेक्चर को सुन लीजिए। अगर पिछला लेक्चर आपको समझ में आया है तो यह 100% गारंटी देते हैं आपको समझ में आएगा और आसानी से आप सीख जाइएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से एक बार, ये जो हमारा घनीय क्रिस्टल है, सभी कॉर्नर पर इनके अवयवी कण है और हमने क्या बताया, ये इसमें अंतःकेंद्रित, मसलन
इस घनीय क्रिस्टल के अंदर में भी एक अवयवी कण है। तो ये कण क्या अपने बगल वाले क्रिस्टल के साथ में संयोग हो रहा है? नहीं, यह अवयवी कण इस क्रिस्टल के इस एकक कोशिका के अंदर में स्थित है। तो बताना है कि यह कुल मिलाकर के कितने अवयवी कणों को देता है, समझिए। एक कण अपने आप का 1/8 भाग देता है, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कण हो गए। मसलन 8×1/8 क्रॉस होके हो गया एक कण, एक हो गया। फिर इस एक कोशिका के अंदर में भी एक कण है, यह कण कोई बांट के लेके नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसके साथ में भी एक अन्य, इसके साथ में भी अगर हम एक अन्य क्रिस्टल को जोड़ दे तो यह बांट करके नहीं लेके जा सकेगा, क्योंकि इसके अंदर में रहेगा, ये तो इसके साथ शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो है कॉर्नर पे जो हमारा अवयवी कण है, यह इसके साथ भी शेयर करेगा, तब जाकर के क्रिस्टल का निर्माण होगा, ठोस का निर्माण होगा। अब चूंकि इस एकक कोशिका के अंदर में है यह कण, तो मसलन यह अपने अपना जो अवयवी कण है इसके साथ शेयर नहीं कर रहा है, मतलब इसके साथ उलझने की जरूरत नहीं है, यह अपने अधीन में रख रहा है। सभी कॉर्नरों को मिला के हमारा हो गया एक कण, और इसके अंदर में एक कण है, तो 1+1=2 हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में हम दो फिगर को सीख लिए थे, अब तीसरे फिगर को समझिएगा। एक और घनीय क्रिस्टल का यदि हम निर्माण करें, सिर्फ गौर से आप लोग देखते जाइए, जितने मन में आपका प्रश्न है वो सारा प्रश्न इस वीडियो के अंत तक में खत्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या को पढ़ रहे हैं, और तीसरे फिगर को हम लिए हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इस एकक कोष्टिका के साथ एक अन्य और एकक कोष्टिका हो, या ऐसे समझते हैं कि इससे पहले तो हम सभी कॉर्नरों पर इसके अवयवी कण थे, और इसके दूसरे फिगर में हम केंद्र में एक अवयवी कण डाले हैं। कल्पना कीजिए कि इसके फलक पर कोई एक और अवयवी कण होगा, जैसे इससे पहले वाले फिगर में जो घनीय क्रिस्टल बताए थे इसी तरह का फिगर था, और हम बताए थे इस कॉर्नर का जो है वह 1/8 भाग लेता है। ये 1/8 भाग कैसे लेता है यह आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वीडियो के लास्ट में इस चीज को हम क्लियर कर देंगे। जिस प्रकार यह 1/8 भाग लेता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है एकक कोष्ठिका जमा रहती है। अब इसके फलक पर कुल जानते हैं हम लोग, कुल मिला के 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इस 6 फलक में किसी एक फलक पर, जैसे कि ये हमारा कल हम बताए थे इसका एग्जांपल लिए थे, किसी एक फलक पर मान लेते हैं यहां पर ऐसा ही एक घनीय के क्रिस्टल इसके साथ ऐड हो, इसके साथ ऐड हो, जुड़ा हुआ हो, तो यहां पर जो है एक फलक पर और एक अवयवी कण को डाल दिया जाए, तो यह अवयवी कण इस एक कोष्ठिका को कितना भाग प्रदान करेगा, समझिए, कितना भाग प्रदान करेगा। इस बात को समझने के लिए एक और क्रिस्टल का हम निर्माण कर लेते हैं, इसके बाद आपकी क्लियर हो जाएगी बात। एक और घनीय क्रिस्टल को जोड़ दिए, थोड़ा छोटा बन गया, खैर कोई बात नहीं। अब ये जो फलक पर बैठा हुआ इसके अवयवी कण है, फलक पर जो यह बैठा हुआ अवयवी कण है, आधा भाग इस क्रिस्टल में चला जाएगा, आधा भाग इस क्रिस्टल में चला जाएगा। जैसे कल्पना कर लीजिए कि ये हमारा घनीय क्रिस्टल है, ये हमारा घनीय क्रिस्टल है, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है क्रिस्टल, सेम इसी प्रकार का जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में एक अवयवी कण है, तो आधा भाग उस कण का आधा भाग इसमें ऐड हो जाएगा, और इस वो जो कण था उस कण का आधा भाग इसमें ऐड हो जाएगा। मसलन यहां जो एक कण है, यह कण आधा ले लेगा ये क्रिस्टल एक कोष्ठिका, और आधा ले लेगा यह क्रिस्टल एकक कोष्ठिका। मसलन जैसे कॉर्नर पर 1/8 भाग लेता था, तो उसी प्रकार इस जगह पर कितना भाग लेगा, ये जो भाग है यह 1/2 भाग लेगा। मसलन आधा भाग इधर चले जाएगा, आधा भाग इधर चले जाएगा। नहीं समझ में आई बात, फिर समझिए।
ये जो कौन, ये जो सतह पर रहेगा आधा भाग चले जाएगा बगल वाले क्रिस्टल में और आधा भाग चले जाएगा पहले वाले क्रिस्टल में, पहले वाले एक कोष्टिका में और बगल वाले कोष्टिका में। मसलन यह कितना देगा, आधा देगा, कितना देगा, आधा देगा। मान लेते हैं कि यह हमारा कोई एक कोष्टिका है, यह हमारा कोई घनीय क्रिस्टल है, यह हमारा कोई घनीय क्रिस्टल है, इस घनीय क्रिस्टल के कॉर्नर पर इनके अवयवी कण उपस्थित है और एक कण यहां उपस्थित है, एक कण इस फलक पर उपस्थित है, एक इस फलक पर उपस्थित है और एक इस फलक पर उपस्थित है। तो आपको ये बताना है, समझिए गौर से, आपको ये बताना है इनमें कुल कितने अवयवी कण है। हम जानते हैं कि कॉर्नर पर एक बटे आठ मिलता है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ मतलब हो जाएगा आठ गुना एक बटे आठ, कट के हो गया एक। अब दोनों फलक पर है, इधर भी है और इधर भी है, तो हमने अभी बताया था कि फलक पर कितना मिलता है, एक बटा दो, फलक पर कितना मिलता है, एक बटे दो, कॉर्नर पर एक बटे आठ, फलक पर एक बटा दो। मसलन यहां से एक बटे दो इसमें मिला और यहां से कट करके एक बटे दो इधर मिला, तो आधा इधर आधा इधर। मसलन ये एक एक दो है, दो फलक पर है, आधा इसमें मिला आधा इसमें मिला, मतलब आधा से गुना कर दीजिए, मतलब एक प्राप्त हुआ। ऐसे भी हो सकता है आधा जोड़ आधा बराबर एक, तो एक एक कितना हो गया, इस क्रिस्टल इस अब इस एक कोष्टिका में कुल मिला के दो अवयवी कण हैं। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। और चौथा पॉइंट क्या है इसको भी समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक और घनीय क्रिस्टल है, एक और एक कोष्टिका है, इस एकक कोष्टिका में सभी तरफ तो हमारा सभी तरफ हमारा यहां पर अवयवी कण उपस्थित हो गए। अब इसके कोरों पर यदि डाला जाए, इस कोर पर अगर एक और डाला जाए, कोर पर एक और अवयवी कण डाला जाए, कोरों की लंबाई पर, किनारों की लंबाई पर, जैसे ये इसे किनारों की लंबाई पर डाला जाए, तब यह अपने आप का कितना देता है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कॉर्नर एक बटे आठ, फलक एक बटे दो, केंद्र में पूरा पूरा एक, और यह देगा एक बटे चार। कितना देगा, एक बटे चार देगा। अगर यहां कण उपस्थित है तो एक बटे चार देगा। तो ये बात हम आप उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को ये बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि इस कॉर्नर पर एक डाल दे, एक यहां डाल दे, एक यहां डाल दे, एक यहां डाल दे, प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं कि एक ये एक कॉर्नर पर हमने डाल दिया, चारों कॉर्नर पर डाल दिया, एक यहां डाला, एक यहां डाला, एक यहां डाला, एक यहां डाला, तो ये सभी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस आठों कॉर्नर पर मिला करके कितना होता है, एक कण। तो इस चारों किनारों पर, एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, किनारा तो पहले किनारों पर एक बटे चार मिला, तो चार किनारों पर रखा हुआ है, तो गुना कर दीजिए, चार से चार चार कट के हो गया एक, एक कण हो गया आठों कोने से और किनारों से हो गया हमारा एक कण, तो एक कण जो एक कण बराबर हो गया दो कण। तो कुल मिला के रिजल्ट अभी तक आप लोगों को हमने ये बताया, किसी भी एक कोष्टिका में इसकी कणों की संख्या को अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या क्या पैमाना हो सकता है। मोटे तौर पर हम लोगों को यह समझ में आया कि इनमें चार बातों को ध्यान रखना है। नंबर पहला, कि यदि किसी एक कोष्टिका में कोनों पर उनके अवयवी कण हैं, तो वह अपने आप का उस एक कोष्टिका में एक बटे आठ भाग देता है, ठीक है। नंबर दो, यदि किसी भी एक कोष्टिका के केंद्र में, एक कोष्टिका के अंदर में, केंद्र में यदि कोई अवयवी कण है, तो वह अपने आप का 100%, मसलन अगर एक कण है तो अपने आप का एक कण देगा, वह एक का एक देगा। और तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी एक कोशिका में फलक पर यदि अवयवी कण उपस्थित हैं, तो वह अपने एक कोशिका के अधीन एक बटा दो भाग रखेगा, मतलब आधा अपना रखेगा, आधा पड़ोसी एक कोशिका को दे देगा, तब जाकर के मिलकर क्रिस्टल बनेगा, ठोस बनेगा। फिर से एक बार, फलक पर होगा तो एक बटे दो, केंद्र में होगा तो अपने आप में एक, कॉर्नर पर होगा तो एक बटे आठ। और चौथा पॉइंट आप लोगों को बताएं, यदि किनारों पर रख दिया जाए,
किनारों पर अगर अव्यवीकरण रहेगा तो वह अपने आप का एक बटे चार भाग देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद रखते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो भी कमी है इस वीडियो के अंत में खत्म कर देंगे। और अभी हम लोग सबका स्ट्रक्चर को देखते हुए बताएंगे कि कहां कहां कितने कितने अव्यवी कण होंगे। देखते हैं अगले टॉपिक। वीडियो और थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण जो है आज की क्लास हम यही बंद करते हैं। कल इनके विषय में एकल कोशिका में अव्यवी कणों की संख्या को जो कुल संख्या कैसे निकालती है इसके विषय में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।